कैसे दोस्तों, मैं प्रमोद सिंह ईगल ईगल मेटिश क्लब की आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, जो आज का हमारा विषय है वो गुस्से पर आधारित है, एंग्रीनेस पर आधारित है। ये विषय है, क्या आपके गुस्से से आपके कर्म पर क्या असर पड़ता है, अच्छा या बुरा असर हो सकता है। अगर आपको गुस्सा आता है उसका अच्छा असर तो कभी नहीं होगा। दोस्तों क्या होता है, बहुत से लोगों को छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा आता है, हर किसी के साथ वो झगड़ना शुरू कर देते हैं, हर किसी को हर्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि वो सही है, चाहे वो सही या गलत हो, इस ये बात मायने नहीं रखती। कभी कभार क्या होता है कि हम सामने वाले की बात नहीं सुनते और हम उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, हम उसको जलील करते हैं, हम उसे बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग ऐसे कह देते हैं, यार मेरे तो जुबान जरूर है मगर मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। तो ये एक तरह का झूठ है कि आपकी जुबान पे बुरे शब्द हैं, किसी को बोल रहे हो, आपके दिल में कुछ ना हो। अगर आपके दिल में कुछ है, कुछ बुरा है किसी के प्रति, तभी आप उसको बुरा बोल रहे हो। ये सब झूठ है, ये एक झूठा दिलासा है खुद को, मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, ये गुनाह है। अगर हम किसी गुस्से से बात करते हैं, उससे झगड़ते हैं, उसे बुरा बड़ा बोलते हैं, उसे बददुआ देते हैं, इससे हमारा कर्म बनता है। याद रखना, इससे हमारा कर्म बनता है, बुरा कर्म बनता है। हम सोचते हैं, यार मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी को कभी धोखा नहीं दिया। यही एक कारण है, हम नजायज किसी को बोल देते हैं, गुस्से में बोल देते हैं, इससे हमारा कर्म बनता है, जिसकी वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप हम दुख भोगते हैं, हम दर्द भोगते हैं, हम तकलीफ में चले जाते हैं। दोस्तों याद रखना, किसी पर गुस्सा करने से पहले ये सोचना, आपकी जुबान से निकले हुए शब्द आपका कर्म बनेंगे और जिनका फल भोगना ही पड़ेगा। अगर आपने किसी के लिए जुबान से अच्छे शब्द निकाले, किसी को प्यार दिया, दिलासा दिया, हौसला दिया, किसी को साथ अच्छा व्यवहार किया, तो उससे आपके अच्छे कर्म बनेंगे, कहीं ना कहीं जाकर ये अच्छे कर्म लौट कर आएंगे और आपको सुख प्रदान करेंगे किसी मुश्किल घड़ी में। अगर आपकी जुबान से कड़वे शब्द निकले, किसी को आपने हर्ट किया, किसी का दिल दुखाया, किसी को बेवजह बोल दिए, तो आप इस कर्म से भी कभी छूट नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हो, अच्छे शब्द बोल रहे हो, अच्छा व्यवहार कर रहे हो किसी के साथ, तो अच्छा कर्म आपको 10 गुना होकर मिलेगा। अगर आप किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो, किसी को बुरा बोल रहे हो, तो बुरा कर्म भी आपको 10 गुना होकर मिलेगा। ये आपके ऊपर आधारित है कि आपने जीना कैसे है, किस व्यवहार के साथ आपने अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ रहना है, अच्छे व्यवहार से या बुरे व्यवहार से। ये कहना छोड़ दो कि मेरे दिल में कुछ नहीं है, बस मुझे गुस्सा ही ज़्यादा आता है। गुस्सा एक तरह का अहंकार होता है, गुस्सा एक तरह का जहर होता है जो आपको ही जलाता है, आपके कर्म को ही जलाता है। गुस्सा उस इंसान को आता है जिसका मन कमज़ोर होता है, कमज़ोर मन वाले इंसानों का अंदर गुस्सा होता है। ये गुस्सा वो एनर्जी होती है जिसे वो कहीं पर लगा नहीं पाते। ज़्यादातर ये गुस्सा उन लोगों को आता है जो दूसरों की बातों के ऊपर ज़्यादा रिएक्शन करते हैं, जो दूसरों की बातों की ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये गुस्सा उन लोगों को आता है। सो दोस्तों, कर्म बनाने से पहले ये सोच ले कि आप अच्छा कर्म बनाएं, ताकि जो आपको भविष्य में कुछ बुरा ना देखना पड़े और बुरा आपके साथ कभी ना हो। सो दोस्तों, दुख दर्द जिंदगी का हिस्सा है, मगर जो कर्म हमने आज बना लिए, भविष्य में उनका परिणाम भी हमें भुगतना होगा। और ये आपके हाथ में है कि आपने प्यार बांटना है, जहाँ लड़ाई झगड़ा गुस्सा बांटना है, आपने ही तय करना है कि आपने ज़िंदगी में कैसे जीना है और कैसे कर्म आपने बनाने हैं। अच्छे कर्म बनाओगे तो अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म बनाओगे तो बुरे कर्मों का फल बुरा मिलेगा। सो दोस्तों,
यही कहते हुए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, अगर बुरा बोला गया हो तो। आप कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करें, अच्छे व्यवहार के साथ जिंदगी जिए, और ये बहाना बनाना छोड़ दें कि मेरे दिल में कुछ नहीं है, मुझे गुस्सा ही ज़्यादा आता है। एक बार जुबान से निकला हुआ शब्द आपका कर्म बन जाता है, आपकी ज़िंदगी को ये बदलता है, आपकी ज़िंदगी को ये डिस्टर्ब करता है। ये आपके ऊपर है और आपने ज़िंदगी कैसे जीनी है, आपने ज़िंदगी क्यों जीनी है, आपने ज़िंदगी में क्या पाना है, ये आपके ऊपर आधारित है। सो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें यहाँ से ज़्यादा फॉलो करें Instagram पर, और अपने दोस्त मित्रों को भी हमारे साथ जोड़ें। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप हमसे उस विषय के ऊपर बात कर सकते हो। थैंक यू।